वेलकम टू टेक डिटेल्स। दोस्तों मैं आपका दोस्त अरबाज यहां पे बात करेंगे आज टेक्नो कैमन 19 नियो के बारे में। दोस्तों ये वो फोन है जो कि कैमन सीरीज का नेक्स्ट मॉडल है 18 के बाद। अब यहां पे इसके सबसे पहले प्राइस आती है, यहां पे हमारे पास प्राइस दोस्तों इसके पास 35,000 से लेके 40,000 के बीच में आ जाता है। तकरीबन 36,000 का मार्केट में अवेलेबल है और वो डिफरेंट वेरी करता है कि आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं या आप जाके फिजिकल परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आगे चलते हैं, सबसे पहले इसकी डिस्प्ले स्क्रीन आती है जो कि हमारे पास 6.8 इंच की लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन है, मगर यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन को इतनी खास क्वालिटी की नहीं दी गई। IPS LCD लगाई गई है, कोई AMOLED नहीं लगाई गई, यानी कि आपको वो कलर या वो डिस्प्ले क्वालिटी नहीं मिलेगी जो कि डिफरेंट फोन्स में मिलती है। अब यहाँ पे आगे चलिए, यहाँ पे इसकी बैटरी टाइमिंग आती है, हमारे पास 5,000 mAh की लिथियम प्रो नॉन रिमूवेबल बैटरी है, मगर 18W चार्जर के साथ फास्ट चार्जिंग है। रोम के नॉर्मल आपके चार्ज तकरीबन 3-4 घंटे में फोन चार्ज होगा। रैम और रोम की बात करें जिसमें फोन डिपेंडेंट होता है कि कितना फास्ट वर्क करेगा, वो दोस्तों इसकी रैम की बात करें 6GB की रैम है, जबकि रोम की बात करें 128GB हमारे पास की रोम है। दोस्तों 35,000 से ऊपर के फोन में तकरीबन हमारे पास 128GB आती है, मगर अब बहुत से फोन इस तरह मूव हो रहे हैं जो कि 256GB अवेलेबल कर रहे हैं, मगर 128GB भी इनफ है एज अब तक के लिए। दोस्तों आगे मूव ऑन करें, यहाँ पे एक बात मेन जो आती है फोन में वो कैमरा है। इन्फिनिक्स के कैमरा से इसके कंपैरिजन किया जाए या इसके लोकल किसी और ब्रांड से कंपैरिजन किया जाए तो दोस्तों कितने पैसों में इससे कैमरा ठीक किए गए हैं। अगर बात करें फ्रंट कैमरा की तो हमारे पास 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया, मगर वीडियो रिकॉर्डिंग रेट वही 1080 पे की गई है। थोड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग रेट बेहतर करनी चाहिए, तकरीबन इसको 1400 तक लेके जाना चाहिए था जिस तरह इन्फिनिक्स ने अब अपने नेक्स्ट फोन में की है। इसके दोस्तों बैक कैमरा की बात करें उसमें ट्रिपल कैमरा दिया गया, मगर 48 मेगापिक्सल का मेन है, सेकंड की बात करें 3 मेगापिक्सल का और तीसरे की बात करें तो 12 मेगापिक्सल का। दोस्तों ये देखा जाए यहाँ पे कैमरा आपको दिए तो बहुत वाइड रेंज में, मगर क्या वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, मगर वो दोस्तों उतनी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, बस ये उसके मेगापिक्सल बढ़ा दिए मगर उसकी क्वालिटी पे वर्क नहीं किया। वो आईफोन वाला सिस्टम के मेगापिक्सल कम है मगर क्वालिटी पे वर्क किए गए, इसके बिल्कुल ऑपोजिट काम किए हैं। अभी दोस्तों एक बात क्लियर है, जो उसका प्रोसेसर वो एक बेहतरीन प्रोसेसर लगाया गया MediaTek का। उस वजह से मार्केट में ये फोन बहुत ज्यादा डिमांड में आते हैं क्योंकि MediaTek के प्रोसेसर जितने भी फास्ट वर्क करते हैं गेमिंग के लिए चल पड़ते हैं, मगर इसका डिस्प्ले स्क्रीन के जो रेट है रिफ्रेश रेट वो दोस्तों 30Hz के, जिसकी वजह से गेमिंग में मार खाएगा, लाजमी बात है गेमिंग में मार खाएगा। फिर भी कहीं जो उसका लैग आ रहा है वो उसका प्रोसेसर ही पूरा करेगा, जो कि MediaTek का हमारे पास G88 दिया गया है, वो इसको फास्ट काम करने में मदद करेगा। जिस तरह हम गेमिंग कोई भी कर रहे होंगे तो उसमें आपको लाजमी बात है फोन आपका गर्म हो रहा होता है और आपको एक फास्ट प्रोसेसर चाहिए होता है जो कि उसके बेहतरीन वर्क कर सके। अगर कोई दोस्तों एक बेहतरीन गाइड आपको मैं दूं कि आप इस फोन के अंदर मूव करें कितने पैसों में, क्योंकि आपको 36-37,000 में मिल रहा है, तो दोस्तों मैं कहूंगा बिल्कुल मूव ऑन ना करें। इससे बेहतर